ये कहानी है तो चांद की, उल्टे पुल्टे सवालों वाली तो चांद, टेढ़े मेढ़े ख्यालों वाली तो चैन। छोटी सी तो जिसे बड़ी बड़ी बात करना पसंद था, गुमसुम सी तो जिसे बिना बात खिल खिलाना पसंद था। तो चांद के मन की एक अलग ही दुनिया थी। आइए जरा इसमें झांक के देखते हैं। कहानी उस दिन शुरू हुई जब तोतो चांद पहली बार ट्रेन में बैठी। खिड़की वाली सीट पर बैठकर वो बाहर ताक रही थी, दूसरी दिशा में जा रहे पेड़ों और बिजली के खंभों को देख मुस्कुरा रही थी। सोच रही थी, सुबह सुबह ये सब कहां भागे जा रहे हैं। बगल में तोतो की मां बैठी उसे देख रही थी, उनके चेहरे पर एक नजर न आने वाली फिक्र थी जिसे वो अपनी प्यार भरी नजरों से छुपा रही थी। स्टेशन आया तो उछलते हुए ट्रेन से बाहर आए। बाहर जाते हुए लोग लाइन लगाकर टिकट चेक करा रहे थे। तोतो ने अपना टिकट अपने हाथ में कस के पकड़ लिया। जब टिकट दिखाने की बारी आई तो तोतो बोली, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूं? उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। टिकट चेक करने वाले बाबू वैसे तो जल्दी में थे, पर तोतो को देख थोड़ा थम गए। टिकट तो जमा होगा, देखो सब दे रहे हैं। तोतो का मन बिल्कुल नहीं था, पर उसने टिकट दे दिया। अब उसका ध्यान टिकट के डब्बे पर गया। इतनी सारी रंग बिरंगी टिकटें। इतनी सारे टिकट का आप क्या करोगे? तो तूने पूछा। टिकट बाबू ने एक नजर मां को देखा, फिर तोतो को देखकर मुस्कुराए। ये मेरी नहीं है, ये तो स्टेशन की है। अच्छा, तोतो की नजर अभी भी टिकट के डब्बे पर थी। बोली, मैं भी बड़े होके टिकट ही बेचूंगी। अच्छा, टिकट बाबू बोले, मेरा छोटा लड़का भी स्टेशन पर यही काम करना चाहता है, तुम दोनों साथ में काम कर सकते हो। तोतो ने टिकट बाबू के ऐनक लगे गोल मटोल चेहरे को ध्यान से देखा। चेहरा उसे अच्छा लगा। उसने कमर पे अपना हाथ रखा और बोला, मैं सोचूंगी, अभी मैं बहुत बिजी हूं। पता है, आज मैं अपने नए स्कूल जा रही हूं। इतना कह वो मां की तरफ भागी और चिल्लाते हुए बोली, मैं टिकट बेचने वाली बनूंगी। मां को आश्चर्य नहीं हुआ, पर फिर भी उन्होंने कहा, मुझे तो लगता था तुम जासूस बनने वाली हो। हां, तो चांद को याद आया, कल तक तो वो जासूस ही बनना चाहती थी, पर टिकट से भरे हुए डब्बे को संभालने का तो मजा ही अलग है। उसने मां की उंगली थामी और उछल उछल के चलते हुए मां से बोली, क्या मैं ऐसी टिकट बेचने वाली नहीं बन सकती जो असल में जासूस हो? मां कुछ नहीं बोली। जैसे जैसे वो नए स्कूल के करीब आ रहे थे, उनके चेहरे से फिक्र छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। तोतो को इस सब की कोई खबर नहीं थी, वो तो स्टेशन से नए स्कूल के रास्ते के पेड़ गिन रही थी। तोतो चांद को नए स्कूल ले जाया जा रहा था। वैसे तो उसने हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था, पर उसे पहली ही कक्षा में स्कूल से निकाल दिया गया। पिछले हफ्ते की ही बात है, तोतो चांद की मां को स्कूल का खत मिला। जब वो मिलने पहुंची तो क्लास टीचर मैम उनको देख के ही बड़बड़ाने लगी, आपकी बेटी पूरी क्लास में गड़बड़ कर देती है, आपको उसका नाम किसी और स्कूल में लिखाना पड़ेगा। मां को बैठने तक का मौका नहीं मिला, वो एकदम घबरा गई। ऐसा क्या किया होगा तोतो चांद ने? क्लास टीचर मैडम बड़ी गुस्से में थी,
उनकी उम्र अभी मुश्किल से 30-35 साल होगी। अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए उन्होंने शिकायतों का सिलसिला शुरू किया। पहली बात तो ये कि वो दिन में सैकड़ों बार अपनी मेज खोलती है। मैंने बच्चों से कह रखा है, बिना कारण अपनी मेज मत खोलो। लेकिन आपकी बेटी कुछ ना कुछ रखती है निकालती है, रखती है निकालती है। मान लीजिए मैं ABCD लिखा रही हूं, तो सबसे पहले वो मेज खोलती है, अपनी कॉपी निकालती है और फिर धड़ाम से बंद कर देती है। फिर खोलती है, इस बार पेंसिल निकालती है और फिर धड़ाम से बंद करती है। अब अगर उसने ए लिखा और वो गंदा हो गया तो फिर से मेज खोलती है, इस बार रबड़ निकालती है और फिर से धड़ाम बंद करती है। ए को मिटाएगी, फिर खोलेगी, रबड़ रखेगी। और अगर ए लिखा गया तो फिर खोलेगी, पहले पेंसिल रखेगी, बंद करेगी, फिर खोलेगी, कॉपी रखेगी, बंद करेगी। ऐसा हर अक्षर लिखने के लिए बार बार मेज खोल खोल कर वो पेंसिल, रबड़, कॉपी रखती है और निकालती है। उसकी आवाज सुन सुन के मेरा तो सर घूम जाता है। क्लास टीचर मैडम बिना पल के झपकाए बोल रही थी, मानो मन ही मन सारा दृश्य उनके सामने चल रहा हो। मां चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने इतना ही कहा कि मैं इस बारे में तोतो से बात करूंगी। पर क्लास टीचर मैडम कहां रुकने वाली थी, बोली, अगर इतनी सी बात होती तो मैं आपको नहीं बुलाती। जब वो शोर नहीं मचा रही होती है तब वो खड़ी रहती है पूरे समय। खड़ी रहती है, मां बोली, कहां खड़ी रहती है? खिड़की पर, टीचर ने नाराज होते हुए बोला। पर खिड़की पर क्यों खड़ी रहती है, मां ने आश्चर्य से पूछा। ताकि वह सड़क पर गुजर रहे गाने बजाने वालों को बुला सके। इसके बाद टीचर ने पूरी कहानी मां को सुनाई। जब घंटों मेज खोलने बंद करने के बाद तो थक जाती है तो जाकर खिड़की पर खड़ी हो जाती है और बाहर झांकने लगती है। क्लास और सड़क बगल बगल में ही है तो आने जाने वालों को देखती रहती है। जब कभी गाने बजाने वाले निकलते हैं तो आवाज देके उनको बुला लेती है। सारे बच्चे जमा हो जाते हैं। जब वो बाहर से बजाते हैं तो अंदर से बच्चे शोर करते हैं, पूरे स्कूल को सर पे उठा लेते हैं। आखिरकार जब गाने बजाने वाले चले जाते हैं तो बाकी बच्चे वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, पर तो फिर भी खड़ी रहती है। कहती है, अगर फिर से आ गए तो। मां चुपचाप बैठे दिल से सब सुन रही थी, बोली, और भी कुछ करती है? मैडम बोली, अगर मैं गिन पाती कि वो क्या क्या करती है तो मैं आपसे उसे दूसरे स्कूल जाने के लिए कहती ही नहीं। अभी कल की ही बात सुनिए, तो फिर से खिड़की के पास खड़ी थी, मैं पढ़ा रही थी, मुझे लगा वही गाने बजाने वालों का इंतजार कर रही होगी। थोड़ी देर बाद वो सवाल पूछने लगी, मुझे लगा किसी से बातें कर रही है, पर उसके सवालों का सिलसिला खत्म ही ना हो। जब मैं उसके पास गई तो मैंने देखा बाहर पेड़ पर एक मैना घोंसला बना रही है और तोतो चैन इस मैना से सवाल कर रही थी। अब आप ही बताइए, ये सब मैं क्लासरूम में कैसे बर्दाश्त कर सकती हूं? माफी मांगने के लिए मां ने मुंह ही खोला था कि टीचर ने एक और घटना सुनाना शुरू कर दिया। अभी ड्राइंग क्लास की बात लीजिए, मैंने बच्चों को जापानी झंडा बनाने के लिए कहा, सभी बच्चों ने सही सही बनाया, पर आपकी बेटी ने कोई और ही झंडा बना दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्ची है। जब रंग करने की बारी आई तो उसके सारे रंग कागज से बाहर मेज पर निकल गए। अभी भी आप जाके देखेंगी तो मेज पर झंडा बना हुआ है। इसके आगे मां कुछ नहीं बोली। ये तो दूसरे बच्चों के साथ अन्याय था, उन्हें कोई दूसरा स्कूल खोजना ही होगा, ऐसा स्कूल जहां उनकी बेटी को समझ सके, जहां उनकी बेटी भी दूसरे बच्चों के साथ रहकर पढ़ सके। ये सोच के उन्होंने तोतो का नाम स्कूल से कटवा दिया। अब
वो तोतों को एक नए स्कूल लेके जा रही थी जो बड़ी खोजबीन के बाद मिला था। माँ ने तोतो चांद को कुछ बताया नहीं था, वो क्या समझेगी कि क्यों उसे स्कूल से निकाल दिया गया। माँ ने फैसला किया कि जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती उसको कुछ मालूम नहीं चलेगा। माँ जानना चाहती थी कि तोतो के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने उससे पूछ ही लिया, हम तुमको एक नए स्कूल लेके जा रहे हैं, सुना है बड़ा ही अच्छा स्कूल है, तुम जाना चाहोगी? ठीक है, तोतो बोली, पर माँ डर गई। उनको लगा शायद तोतो को पता चल गया कि उसको पिछले स्कूल से निकाल दिया गया है। थोड़ा सोचने के बाद तोतो बोली, पर नए स्कूल में गाने बजाने वाले आएंगे। कैसा होने वाला था तोतो चांद का नया स्कूल? ये बड़ा ही खास था। ये चलता था रेलगाड़ी के रुके हुए डब्बों पर। तो क्या तोतो चांद को ये पसंद आएगा? सुनते हैं अगले एपिसोड में।